नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं देश दुनिया की ताज़ा 25 खबरें। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में राहुल की रैली रद्द, ममता की हुई कम, बीजेपी अपना बूथ कोरोना मुक्त के भरोसे। कोरोना से हाहाकार के बीच ममता ने किया चुनाव अभियान को छोटा, कोलकाता में कोई रैली नहीं, 26 अप्रैल को सिर्फ सांकेतिक सभा करेगी ममता। मालदा में भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र को मारी गोली, चुनाव प्रचार के वक्त वारदात को दिया अंजाम। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 24 घंटे में मिले 2,74,000 नए मरीज, 1,619 लोगों ने गंवाई जान। रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द की आज से चलने वाली कई ट्रेनें, ट्वीट कर दी जानकारी। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा रेलवे, देश भर में जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, उपराज्यपाल मांगेगी यूपी के सीएम से मदद। पूर्व सेना अध्यक्ष ने चुनावी रैलियों और किसान आंदोलन पर उठाया सवाल, कहा कारगिल से ज्यादा लोग कोरोना से मरे। प्रवासी मजदूरों से केजरीवाल की अपील, ये छोटा लॉकडाउन है, आप दिल्ली में ही रहे, मैं हूँ ना। चंडीगढ़ के ताज होटल से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 5 हिरासत में, भोपाल से 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने सेना से मांगी मदद, आर्मी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अस्पतालों में होगा कोविड मरीजों का इलाज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,897 नए केस, एक दिन में रिकॉर्ड 79 मौतें, एक्टिव केस 75,000 के करीब। शिवराज सरकार की एक और घोषणा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 2000 बिस्तरों के बनेंगे कोविड अस्पताल, 3 महीने तक गरीबों को राशन फ्री। रेमडेसिविर पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, बोले जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा रासुका। यूपी पंचायत चुनाव में एटा में फर्जी मतदान को लेकर बवाल, बूथ लूटने का प्रयास। यूपी के औरेरिया जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 10 से अधिक घायल। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र राज्य आमने सामने। राजस्थान में 15 दिन के लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान, मनाया जाएगा जन अनुशासन पखवाड़ा। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुई ऑक्सीजन की किल्लत, अब तक 16 मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक दिन में 12,345 नए संक्रमित, 14,075 लोग ठीक हुए। नक्सलियों के निशाने पर जवानों के रिश्तेदार, सुकमा में 2 युवकों की हत्या। कोरोना से रिकवर होते ही मालदीप रवाना हुआ कपल, रणबीर आलिया सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेंका, पठान समेत 4 बॉक्सर सेमीफाइनल में, सुमित और मनीष मेडल से एक कदम दूर। मुरलीधरन की तबीयत बिगड़ी, श्रीलंका के पूर्व स्पिनर की चेन्नई के हॉस्पिटल में हुई एंजियोलास्टी, सनराइजर्स हैदराबाद के हैं बॉलिंग कोच।